माननीय विधायक जी उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप से मैं बात कर रहा था सर कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता के रूप में काम करता है और अभी अभी माननीय विधायक महोदय श्री दीपक मंगला जी ने भी यह बात स्वीकार की। और पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया जो आपने और हम सभी ने देखा और उस वीडियो में महामहिम किसी कार्यक्रम में आए हुए थे और उस कार्यक्रम में उनके गुरुजी भी सामने बैठे हुए थे और जब उनको पता चला कि मेरे गुरु भी यहां पर आए हुए हैं तो उन्होंने मंच से नीचे जाकर के उनके चरण स्पर्श किए। वो वीडियो आपने और हमने देखा होगा। ये हमारे देश में गुरु परंपरा रही है और इसी परंपरा के नाते भारत को विश्व गुरु माना जाता है। तो साथियों निश्चित रूप से यहां पर जो हमारे गुरुजन बैठे हुए हैं मैं उनके लिए सिर्फ दो पंक्ति बोलना चाहूंगा कि बर्फ का पर्वत इरादे छोड़कर गलता रहा, बर्फ का पर्वत इरादे छोड़कर गलता रहा, रोज सूरज हार थककर सांझ को ढलता रहा, पर रहा अंदाज आपके जीवन का तो अलग, आंधियां चलती रही लेकिन दिया जलता रहा, आंधियां चलती रही लेकिन दिया जलता रहा। एक गुरु ऐसा होता है जो स्वयं जल करके और दूसरों को प्रकाश देता है। तो साथियों निश्चित रूप से हम यहां से एक प्रेरणा लेकर के जाएं कि हम अपने जीवन में यदि गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जैसा कि माननीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि क्लासरूम की आखिरी बेंच पर बैठा हुआ बच्चा भी देश का भविष्य हो सकता है और एक शिक्षक होने के नाते, एक आदर्श शिक्षक होने के नाते हमें उस बच्चे को पहचानने की आवश्यकता है और यही समग्र शिक्षा अभियान का मूल उद्देश्य है कि सब पढ़े सब पढ़े। और ऐसा प्रण लेकर के हम यहाँ पर जाएंगे तो मैं एक प्रेरणा गीत जैसा मुझे आदेश हुआ है दो पंक्तियों के माध्यम से बोलना चाहूंगा। एक जतन और अभी, एक जतन और, एक जतन और अभी, एक जतन और, उजियारा लाने को एक जतन और, एक जतन और अभी, एक जतन और, आप भी बोल सकते हैं, एक जतन और अभी, एक जतन और, एक जतन और अभी, एक जतन और, उजियारा लाने को एक जतन और, एक जतन और। कब तक सहेंगे इन कड़वे अंधियारों को, कब तक सहेंगे इन कड़वे अंधियारों को, कब तक न पाएंगे अपने अधिकारों को, कब तक न पाएंगे अपने अधिकारों को, कब तक बढ़ेगी सीने में घुटन और, एक जतन और अभी, एक